इस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है साइबर क्राइम। तो सबसे पहले ये समझते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। क्राइम मतलब होता है अपराध, और यदि कोई अपराध डिजिटल माध्यम से किया जाए, डिजिटल माध्यम यानी जिसमें उपयोग में लिया जाए किसी कंप्यूटर को या किसी नेटवर्क को, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में किए जाने वाले या इनके माध्यम से किए जाने वाले अपराध को साइबर क्राइम बोला जाता है। साइबर क्राइम से कोई क्राइम करना कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। किसी की पर्सनल जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी की पर्सनल जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी करना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी की निजी जानकारी को बगैर उस व्यक्ति को सूचना दिए लेना एक प्रकार का अपराध है, और उस जानकारी का दुरुपयोग करना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के ऐसे अटैक हैं जो साइबर क्राइम के तहत आते हैं, जिनमें से सबसे पहला है स्पाईवेयर। यह किसी कंप्यूटर में बिना इजाजत के प्रवेश करता है और उस कंप्यूटर की सारी निजी जानकारी मालवेयर भेजने वाले व्यक्ति या समूह को दे देता है। स्पाई मतलब होता है जासूसी, यानी कि यह आपके सिस्टम में बगैर आपको सूचना दिए प्रवेश करेगा और आपकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखेगा। जो भी जानकारी निजी होगी या कॉन्फिडेंशियल होगी वो उसको निकालकर जिस व्यक्ति ने इस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में भेजा है उस तक पहुंचाने का काम करेगा। ऐसी गणना को मालवेयर बोला जाता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डेटा चोरी करने के लिए डिजाइन करते हैं। हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म का यूज वायरस, स्पाईवेयर और वॉर्म आदि के लिए किया जाता है, यानी एक ऐसा कस्टमाइज्ड प्रोग्राम जिसको हैकर द्वारा बनाया जाता है। हैकर यानी कि वह व्यक्ति जो आपके सिस्टम की में से आपकी निजी जानकारी को चुराने का काम करते हैं, उन्हें हैकर बोला जाता है। उनके द्वारा बनाया गया एक ऐसा कोड ब्लॉक, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में प्रवेश करेगा और निजी जानकारी को चुराने का काम करेगा। निजी जानकारी से मतलब है आपके बैंक डिटेल, आपके फोटोग्राफ्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप किन लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, किन किन किससे आप जुड़े हुए हैं, यह सारी जानकारी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत आती है। दूसरा होता है फिशिंग। तेजी से एक आम घटना कई लोगों के साथ हो रही, जिसे फिशिंग कहा जाता है। अधिकांश साइबर क्राइम फिशिंग के माध्यम से होते हैं। फिशिंग क्या होती है पहले थ्योरी देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ईमेल मैसेज को वैध वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक द्वारा भेजा गया है ऐसा प्रतीत होता है, और इसमें संदेहशील डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी हो सकती है प्राप्त करने के लिए वेरीफाइंग के लिंक भेजे जाते हैं, जो किसी फ्रॉड वेबसाइट पर ले जाता है और ऐसा लिंक पर क्लिक कर आग्रह कर आपको फाइनेंशियल जानकारी देगा तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। कहने का यह मतलब है फिशिंग मतलब होता है जालसाजी, जो हैकर द्वारा किसी भी व्यक्ति को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। जाल का यह है कि आपको एक ऐसा मेल आ सकता है जो दिखने में एक तरह से जेन्युइन लगेगा, जैसे एग्जांपल में यहां पर दिया हुआ है बैंक के थ्रू आने वाला एक मेल, हालांकि उसमें लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, नाम ऑलमोस्ट हमें लुक एंड फील उसका बैंक के जैसा लगेगा, किसी भी बैंक का, जिस बैंक में आपका खाता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
तो लुक एंड फील इसका बिल्कुल बैंक जैसा लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपको बैंक की जैसा फील होगा। और वहां पे आपको लिंक दिया रहेगा कि फलाना लिंक पे क्लिक करिए तो आपकी सर्विस जो कुछ पेंडिंग रखी हुई है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब व्यक्ति को लगता है कि बैंक की तरफ से मेल आया है, जरूर कोई सर्विस है जो अभी तक सही चल रही थी अब वो किसी कारण से पेंडिंग हो गई है, ठीक है मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और वो एक्टिवेट हो जाएगी। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आप उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग वेबसाइट पर गौर करते हैं, एड्रेस बार पर नजर ही नहीं डालते। वेबसाइट जो है उसका लुक एंड फील भी वैसा ही रहेगा, वहां से आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, आप जानकारी देंगे, कई बार आपसे लॉगिन भी करवा लिया जाएगा कि नेट बैंकिंग जैसा फॉर्मेट है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए और एक्टिवेट हो जाएगा। हम अपना असली का यूजर आईडी पासवर्ड उसमें डाल देते हैं और एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, वापस लौट के हम अपने ईमेल पे आ जाते हैं, वो विंडो बंद हो जाती है। अब हमें लगता है कि हाँ जो सर्विस पेंडिंग थी अब वो एक्टिवेट हो गई है, वहां से मैसेज भी आता है हाँ ठीक है अब आपकी सर्विस निरंतर रूप से जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, एक्टिवेट हो गई है। लेकिन ये बैंक से कोई मेल ही नहीं था और तो और ऐसी कोई सर्विस ही नहीं थी जो पेंडिंग हुई। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जाने अनजाने में हम अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड दे चुके, तो ये निजी जानकारी हमसे जालसाजी के रूप में मंगवा ली जाती है, जिसको फिशिंग अटैक बोला जाता है। चौथा टाइप है स्पाम मेल। स्पाम मतलब होता है फर्जी। किसी व्यक्ति को एक विषय पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डेटा चोरी करना होता है, जैसे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा स्पैमिंग पर होती है, अर्थात अवांछित संदेश और विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। कई बार रूमर्स फैलाए जाते हैं, लिंक्स भेजे जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये फलाना लिंक आप लोगों को शेयर करें और इस पर क्लिक करें तो आपको कुछ स्कीम के तहत आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऐसे घर बैठे कभी भी कमाई नहीं होती, ये हम सब बखूबी जानते हैं। लेकिन वहां पर शब्दों का ऐसा ताना बाना होता है जिससे आकर्षित होकर हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और इस तरह की कोई भी स्कीम वो नहीं होती है जैसे हमें बताई गई। तो किसी व्यक्ति को रूमर्स या अनऑथराइज्ड मेल्स जब रिसीव होते हैं तो वह मेल्स स्पैम कहलाते हैं। आप जीमेल में अगर आपको इस तरह का कोई मेल आ रहा है तो आप उसको मार्क एज स्पैम भी कर सकते हैं, फिर वो आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति वह मेल दोबारा भी आपको भेजता है तो वो सीधा स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं। बात करते हैं लॉजिक बॉम्ब के बारे में। लॉजिक बॉम्ब जिसे स्लैग कोड के रूप में जाना जाता है, कोड का एक ऐसा दुर्भावनपूर्ण टुकड़ा है जो एक विशिष्ट घटना द्वारा ट्रिगर होने पर दुर्भावनपूर्ण कार्य को निष्पादित करने के लिए जानबूझकर सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। यह एक वायरस नहीं है, हालांकि यह आमतौर पर एक समान तरीके से व्यवहार तो करता है। यह चुपके से उस प्रोग्राम में डाला जाता है जहां ये निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने तक निष्क्रिय रहता है। वायरस जैसे दुर्भावनपूर्ण सॉफ्टवेयर में अक्सर लॉजिक बम होते हैं जो एक विशिष्ट पेलोड या पूर्व निर्धारित समय पर चालू होते हैं। लॉजिक बम का पेलोड सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता के लिए अज्ञात है और वह कार्य जिसमें वह अवांछित रूप से निष्पादित करता है। इसको मैं समझाता हूं एक्चुअली इस थ्योरी का मतलब क्या है। लॉजिक बॉम्ब सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ कोड होता है जो एक निर्धारित समय आने पर एक्टिवेट हो जाता है। एग्जांपल के माध्यम से समझे तो आसान होगा। कई सॉफ्टवेयर हमको इंटरनेट पर फ्री में मिल जाते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर हालांकि कोई हमारे लिए क्यों फ्री में सॉफ्टवेयर बनाने लग गया, उसका क्या फायदा है हमारे लिए फ्री सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना सोचता। लेकिन नहीं, हमको इंटरनेट पर फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और
हम उनको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो हमारे वो सिस्टम में आम सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाता और हमारा काम करता। लेकिन चलते चलते वो बीच में आपसे बोलता है कि आप प्रो वर्जन पे चले जाइए। प्रो वर्जन मतलब इसके बेहतर वर्जन पे जाइए, उमदा वर्जन पे जाइए। वो फ्री नहीं होगा, आपको कुछ पेमेंट करना होगा और पेमेंट बहुत ही कम है, बहुत कम। हम इसकी आधीन हो जाते हैं और फिर प्रो वर्जन के लिए हम पेमेंट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब हम पेमेंट करने के लिए जाते हैं, पेमेंट हो भी जाती है, हमने पेमेंट भी कर, लेकिन वहां भुगतान करने के लिए हमने फिर से अपनी नेट बैंकिंग या पेमेंट का जरिया बता दिया, किस माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं वो जानकारी उनके साथ शेयर कर दी। तो ये जब तक आप प्रो वर्जन पे नहीं जा रहे हैं, ये लॉजिक बॉम्ब चुप बैठेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रो वर्जन की गतिविधि शुरू करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर में डालकर हमको हमारे सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। और अंत में जब कभी हम इस पे क्लेम करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को डालने के बाद हमारा कोई इस तरह का नुकसान हुआ, हमारे साथ अपराध घटा है, तो वहां एक क्लियरेंस आता है कि आपने स्वेच्छा से इसको डाउनलोड करा था, ये खुद से आपके कंप्यूटर में चल के नहीं आया। और जब आपने डाउनलोड करा तो कई बार हमने देखा है कि आई एक्सेप्ट ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन, वो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी होती है कि उस समय हमें उसे के लिए उसको पढ़ पाना लगभग असंभव ही होता। तो जाने अनजाने में हम उस अपराध के भागी अपराध के शिकार हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हैकिंग के बारे में। बहुत आसान सी चीज है, जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए आपके सिस्टम फंक्शन यानी कंप्यूटर, नेटवर्क, सर्वर आदि में कमजोरी को ढूंढे और फिर सिस्टम को अपने अनुसार मॉडिफाई करके डेटा को चुरा लेता है या नष्ट कर देता है या फिर उसे बदल देता है, तो इस प्रक्रिया को हैकिंग कहा जाता है। कुछ कमजोर कड़ी को ढूंढना और उसके माध्यम से सिस्टम में प्रवेश कर जाना और हमारे लिए एक नुकसान या कठिनाई पैदा कर देना हैकिंग कहलाता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। आइडेंटिटी चोरी साइबर क्राइम में सबसे आम बात है। इसमें किसी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी बताना अब रिस्की है क्योंकि सारी चीजें हमारे आधार कार्ड के नंबर से लिंक्ड हो चुकी हैं अधिकांश रूप से। उसके जरिए वित्तीय लाभ उठाने या अपराध की कोशिश की जाती है, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। आखिरी है इसके बाद स्पूफिंग। स्पूफिंग में कोई साइबर क्रिमिनल किसी वेबसाइट या ईमेल आईडी या कॉलर आईडी को ट्रैक करके आपसे कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहेगा, जैसे किसी फाइल को डाउनलोड करना या लिंक पे क्लिक करना। यह बताने की कोशिश करते हैं जो वह नहीं होती। स्पूफ का बेसिकली हिंदी में मतलब होता है धोखा, धोखाधड़ी। स्पूफ वेबसाइट, ईमेल आईडी या लिंक ओरिजिनल में इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि आपको लगता है कि यह सही है, ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, यह आपको विश्वास जताते हैं। जैसे कि एक हैकर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस की जैसी मिलती जुलती ईमेल आईडी बनाकर आपको मेल करता और उस मेल में एक लिंक पर क्लिक करने के लिए आग्रह किया जाता है। जब आपको लगता है कि यह मेल सही है क्योंकि वो ऑफिशियल जैसा दिखता है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और एक बार लिंक पर क्लिक करने के बाद वायरस हो या मालवेयर हो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं और वो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कैप्चर करके हैकर को भेज सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल, इन चीजों से समझ में तो आ गया कि अपराध किस किस तरह से घटे जा सकते हैं, लेकिन इनसे बचने का क्या क्या तरीका है जिनसे इन चीजों से बचा जा सके, साइबर क्राइम से बचा जा सके? तो सबसे पहला, अपने कंप्यूटर पीसी में आप एक अच्छा लाइसेंस्ड एंटीवायरस डाल के रखें, लाइसेंस एंटीवायरस, ना कि कोई फ्री डाउनलोड कर लिया। फ्री वाले यही सिन में से कोई एक होगा, कोई किसी के लिए फ्री में कोई काम नहीं करता। तो एक जेन्युइन
एंटीवायरस डालें, दूसरा विंडोज का फायरवॉल एक्टिवेट करके रखें, फायरवॉल को डिसेबल ना करें, कोई पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ना करें, कोई भी पायरेटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करें। पायरेटेड मतलब क्रैक करा हुआ। आप ऑफिशियली उनको परचेज करें, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए, आग्रह करने के लिए अगर आपके पास मेल आता है तो आप उसे इग्नोर करें। फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर के बहकावे में ना आए। किसी के साथ अपनी अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, भले ही वो बैंक की ही वेबसाइट से मेल क्यों ना आया हो। इतना समझ लें, बैंक के पास आपकी सभी जानकारी मौजूद है, वो आपसे कभी कोई जानकारी फोन के थ्रू या मेल के थ्रू प्राप्त नहीं करेगा। अगर कुछ बैंक को चाहिए भी होगा तो वो बाय पोस्ट आपको एक लेटर ड्रॉप करेगा कि आप बैंक में विजिट करें खुद, जिसका अकाउंट वहां आपसे बात की जाएगी, बजाय आपको लिंक भेजे जाएंगे, फिर आप इस पे क्लिक करें तो ओटीपीज आपको उसमें डालना पड़ेगा। इस तरह की बैंक की तरफ से कोई भी गतिविधियां नहीं होती है। तो ये थे साइबर क्राइम से बचने के कुछ तरीके। आज के सेशन में हमने बात की साइबर क्राइम के बारे में और अटैक्स के प्रकार के बारे में।